हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अपने जावा के प्रोजेक्ट में, दैट मीन्स जावा वेब एप्लीकेशन में, कैसे आप 404 एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। 404 मतलब नॉट फाउंड, रिसोर्स नॉट फाउंड। अगर कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है आपके उस रिसोर्स के लिए सर्वर पे, जो सर्वर पे है ही नहीं, तो जनरेट होती है 404 एक्सेप्शन। और उस एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग एक कस्टम पेज कैसे दिखा सकते हैं अगर रिसोर्स नहीं मिला है तो। और हम लोग एक्सेप्शन, मान लीजिए रिसोर्स मिल गया है लेकिन उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए कोई एरर जनरेट हो रही है, दैट मीन्स कोई एरर जनरेट हो रही है, दैट मीन्स रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट हो रही है, तो उस एक्सेप्शन से भी कैसे लड़ना है, कैसे हैंडल करना है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग 404 एरर्स को और एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं और कैसे हम लोग कस्टम पेज बना के यूजर को दिखा सकते हैं अगर कहीं भी एक्सेप्शन जनरेट हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट इनटू द कंप्यूटर। तो हमारे पास यहाँ नेटबीन्स आईडी ओपन है और मैंने यहाँ पे दो फोटो भी डाउनलोड करके रखी है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक है 404 एरर के लिए मैं यूज़ करूँगा पेज को डिज़ाइन करने के लिए, और दूसरा यूज़ करूँगा यहाँ पे मैं एरर के लिए नॉर्मल जो एक्सेप्शन होगी उसके लिए, ये वाला फोटो मैं यूज़ करूँगा डिज़ाइन करने के लिए। तो सिंपली तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने नेटबीन्स में एक नया प्रोजेक्ट बना लूंगा। तो मैं फाइल पे चलूंगा और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा और सिंपली मैं यहाँ पे जावा वेब एप्लीकेशन को क्रिएट कर लूंगा, जावा वेब एप्लीकेशन, और मैं न्यू वेब एप्लीकेशन पे नेक्स्ट कर दूंगा और अपने एप्लीकेशन का यहाँ पे एक नाम दे दूंगा। तो मैं लिख देता हूँ एड मॉड्यूल, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ एडिशन मैथमेटिकल ऑपरेशन करने वाले हैं, तो हम एड मॉड्यूल रख दे रहे हैं इसका नाम। फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा और फिर अपने सर्वर को चूज कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ अपाचे टॉमकैट का सर्वर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपाचे टॉमकैट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। और अभी मुझे कोई भी फ्रेमवर्क नहीं यूज करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फ्रेमवर्क नहीं सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं इसको फिनिश कर दूंगा। नेटबीन्स टेक लिटिल बिट टाइम टू मेक योर प्रोजेक्ट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद देखिए एड मॉड्यूल का प्रोजेक्ट ये बना देगा, और प्रोजेक्ट बनाने के बाद index.html पेज ये ओपन कर देगा। ठीक है, तो हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और हम वेब पेजेस में चलेंगे, तो मुझे यहाँ पे index.html वेब पेज मिलेगा। और अगर सोर्स पैकेजेस में चलेंगे तो मुझे एक डिफॉल्ट पैकेज मिल रहा है। ठीक है, तो हम इस एक बार प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट का आउटपुट कैसा आ रहा है। फिलहाल तो अभी तक तो कोई डिजाइनिंग की नहीं हम लोगों ने, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो ब्राउजर है डिफॉल्ट ब्राउजर, हम गूगल क्रोम सेलेक्ट करेंगे और हम अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपली रन पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट को ब्राउजर पे रन कर देगा, ब्राउजर ओपन हो जाएगा अपने आप। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर कैसा है, आपकी रैम अच्छी होगी, प्रोसेसर अच्छा होगा तो तुरंत हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको वेट करना होगा। और अगर आप प्रोग्रामर हैं तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप सीखते हो तो इट टेक्स लिटिल बिट टाइम। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ सिंपली। ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया और टू डू राइट कंटेंट आ गया। तो हम सिंपली यहाँ पे ये हमारा इंडेक्स पेज रन हुआ है index.html, क्योंकि हम लोग यहाँ पे JSP पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो हम लोग इस पेज को अगर कन्वर्ट कर दें .jsp पेज में तो हम लोग डायनेमिक कंटेंट भी लिख पाएंगे इस पेज में। तो फिलहाल तो मुझे कोई डायनेमिक कंटेंट नहीं लिखना है, बट अगर आपको यहाँ पे कोई डायनेमिक जावा का कंटेंट इसके अंदर लिखना है तो आप सिंपली इस पेज को कन्वर्ट कर दीजिएगा .jsp पेज में, इस HTML पेज को चेंज करके .jsp पेज आप कर सकते हो, फिर जावा का कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हो। फिलहाल मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिंपल यहाँ पे डिजाइनिंग करनी है। तो डिजाइनिंग करने के लिए हम यहाँ पे फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे और सिंपली हम लोग चलेंगे इंटरनेट पे। तो हमारा ब्राउजर यहाँ पे ओपन है, हम लोग नया टैब ओपन करेंगे और यहाँ गूगल पे टाइप करेंगे बूटस्ट्रैप फोर और एंटर कर देंगे। और सबसे पहली वेबसाइट होगी ओपन होगी w3schools.com, तो आप ये वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं getbootstrap.com जो बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करूंगा। तो मैं राइट क्लिक करूंगा और ओपन इन अ न्यू टैब कर दूंगा, तो यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और मेरे भी रिकमेंडेशन है कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएँ। तो सिंपली आप क्विक स्टार्ट को देखें और यहाँ पे लिखा हुआ है कि CSS और JS, तो आपको बूटस्ट्रैप यूज़ करने के लिए दो लाइब्रेरी चाहिए, एक CSS की लाइब्रेरी चाहिए, एक JS की लाइब्रेरी चाहिए।
तो अभी फिलहाल जेएस की कोई भी लाइब्रेरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हम इतना कोई एडवांस प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं। हम सिंपली एक मॉड्यूल बना रहे हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे 404 एरर पेज को कैसे हैंडल करते हैं और एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करते हैं। तो हम लोग सीएसएस वाली इस लाइब्रेरी को कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम कंट्रोल ये, आप सिंपली यहाँ कॉपी का ऑप्शन दिख जाएगा, इस कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और या आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए पूरा, और सिंपली जस्ट सेलेक्ट हो जाएगा तो आप राइट क्लिक करिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और मेरी रिकमेंडेशन ये भी रहेगी, मैं ये भी कहूँगा कि आप यहाँ पे जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि इसके अंदर क्या लिखा है, कैसे लिखा है, सारी चीज़ें देख सकते हो। तो हम लोगों ने कॉपी कर लिया सीएसएस की लाइब्रेरी। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे और हम लोग अपने हेड सेक्शन के अंदर चलेंगे और सिंपली हेड सेक्शन के अंदर आके अपने उस पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है, ये एचटीएमएल की कोई वार्निंग है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे सजेशन पे और डिसेबल एचटीएमएल एरर चेकिंग फाइल कर देंगे। तो यहाँ पे एचटीएमएल के जितने एरर्स होंगे वो चेक नहीं करेगा और हमें चाहिए भी नहीं, ठीक है। और टाइटल में कर देता हूँ यहाँ पे एड, सिंपली एड मॉड्यूल प्रोजेक्ट, और फिर लगाऊंगा ऐसे लिख दूंगा होम पेज, और सिंपली मैं यहाँ पे एक H1 लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे चेक करने के लिए होम पेज, और H1 को बंद कर दूंगा। अब आप इस पेज को जाके रिफ्रेश करें, देखिए आपको कुछ फॉन्ट वगैरह चेंज लगेंगे। दैट मीन्स सिंपली देखिए होम पेज दिख रहा है, बट ये नॉर्मल H1 का फॉन्ट नहीं है, फॉन्ट चेंज हो गया किसकी हेल्प से, बूटस्ट्रैप की हेल्प से। दैट मीन बूटस्ट्रैप हमारे पेज में अप्लाई हो चुका है। अब हम बूटस्ट्रैप की सारी क्लासेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, सीएसएस के क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सिंपली हम क्या करते हैं, अपने पेज को डिज़ाइन करते हैं, और पेज को डिज़ाइन करने के लिए सिंपली मुझे यहाँ पे एक बनाना है कार्ड। तो कार्ड बनाने के लिए आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे और सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे कार्ड, और कार्ड पे देखिए कार्ड वाला जो टॉपिक ओपन होगा यहाँ पे आप सिंपली ऐसे कार्ड्स बना सकते हो जो इन्होंने बताया है। देखिए ये कार्ड्स बना सकते हो, बहुत ही सिंपल कार्ड्स हैं, ठीक है, तो इनमें यूज़ कर सकते हो। तो कार्ड बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इन सब चीज़ को हटा दूंगा, और कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक कंटेनर यूज़ करूँगा, क्लास, और क्लास में लगा दूंगा कंटेनर। तो कंटेनर क्या करेगा, कंटेनर आपके 100% विड्थ में से सिर्फ वो 70% विड्थ लेगा सेंटर पे। दैट मीन्स इस तरफ से इधर इतना छोड़ देगा और इस तरफ से इधर इतना छोड़ देगा, तो ये सेंटर पे आपका पूरा कंटेंट आ जाएगा 70%। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रो बनाना है तो मैं सिंपली लिखूंगा डिफ और क्लास में लगा दूंगा रो, सिंपली। अब एक रो बन गया, अब इसके अंदर हम कॉलम्स बना सकते हैं, तो मैं सिर्फ एक ही कॉलम बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा डिफ क्लास कॉल SM या MD कर दीजिए, और इसमें एक कॉलम बनाऊंगा जो कि 6 ग्रिड्स ले रहा होगा, ठीक है फ्रेंड, 6 ग्रिड ले रहा होगा। अब आप इसके अंदर कोडिंग कर सकते हो। ये बेसिकली हुआ क्या है, एक्चुअली टोटल ग्रिड्स हमारे 12 होती हैं, दैट मीन्स एक रो है तो ये टोटल 12 होगा। और मैंने क्या किया है, जो मैंने अपना कॉलम बनाया है वो 6 ग्रिड का एक ही कॉलम बनाया है यहाँ पे। दैट मीन्स हमने यूटिलाइज किया है अपनी हाफ ऑफ विड्थ, मतलब अपनी हाफ स्क्रीन को यूज़ कर लिया, 12 ग्रिड्स में से 6 ग्रिड्स को यूज़ कर लिया। उसके बाद हम लोग इसके अंदर कार्ड बनाएंगे, तो सिंपली कार्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डिव क्लास और कार्ड लिख देंगे, और थोड़ा सा मैं फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको प्रॉपर विजिबल रहे, ठीक है। तो देखिए अब विजिबिलिटी होगी, और हम कार्ड के दो इंटरनल कुछ टैग्स यूज करेंगे क्लासेस। तो यहाँ पे सबसे पहला होता है कार्ड हेडर, कार्ड का हेडर होता है, फिर इसके पैरेलल में ही कार्ड की बॉडी होती है, तो हम लिख देंगे डिव कार्ड बॉडी। अब इसके अंदर क्या क्या लिखना है मैं अभी आपको सबको बताऊंगा, कार्ड बॉडी, और फिर इसी के पैरेलल में होता है कार्ड फुटर, कार्ड, और सिंपली ये डिव होगा जिसका क्लास होगा कार्ड फुटर, सिंपली। तो आप देखिए यहां पे एक डिव है मेन कार्ड का, और कार्ड के अंदर 3 डिव हैं, कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी, कार्ड फुटर। अब हेडर में कोई कंटेंट रखेंगे तो हेडर में जाएगा, बॉडी में रखेंगे तो बॉडी में जाएगा, फुटर में रखेंगे तो फुटर में जाएगा। अगर मैं सेव करके दिखा दूं, रिफ्रेश करूं, तो आप देखिए यहाँ 3 सेक्शन बन चुके हैं, ये सेक्शन हेडर का है, ये बॉडी का है, और ये फुटर का है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हेडर में लिख देते हैं H1, या H1 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप यहाँ पे H3 लगाइए, और इसमें लिख दीजिए प्रोवाइड मी आर 2 नंबर्स, ठीक है। अब रिफ्रेश करिए तो आप देखेंगे हेडर में ये देखिए प्रोवाइड मी आर 2 नंबर्स,
और उसके बाद हम बॉडी में कुछ लिखेंगे। बॉडी में हम बनाने वाले हैं फॉर्म, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, दो नंबर्स इनपुट कराने वाले हैं। तो सिंपली फॉर्म बनाने के लिए आप क्या करिए, इनपुट टैग यूज़ करिए और टाइप में नंबर ले लीजिए और यहाँ पे क्लास यूज़ करिए फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, जिससे कि आपका फॉर्म का जो टेक्स्ट फील्ड का विड्थ होगा वो 100% हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्लेस होल्डर और यहाँ पे लिख दूंगा एंटर N1 और फिर अपनी विड्थ, अपनी टेक्स्ट फील्ड को बंद कर दूंगा और सिंपली रिफ्रेश करूंगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक N1 फील्ड बन गई है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक फील्ड और बनाने वाला हूँ, तो सिंपली मैं इस पे जाऊँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगी। तो मैं इसको N2 कर देता हूँ और फिर आके रिफ्रेश करूंगा तो देखिए एंटर नंबर 2, दोनों फील्ड्स बन गई हैं। थोड़ा सा मार्जिन, थोड़ा सा इसके बीच में जगह देनी है। तो आप सिंपली क्या करिए, जो बूटस्ट्रैप का स्टैंडर्ड तरीका होता है बनाने का, वो होता है कि आप सारी फील्ड्स को एक रैपर के अंदर रखिए, जिस रैपर को बोलते हैं फॉर्म ग्रुप। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एक डिव में रख देंगे, डिव क्लास फॉर्म ग्रुप, और इस डिव को यहाँ बंद नहीं करेंगे, इस डिव इस फील्ड के बाहर, मतलब इस फील्ड को हमें अंदर रखना है। और फिर इसके लिए भी हम क्या करेंगे, डिव लिखेंगे क्लास फॉर्म डैश ग्रुप और इसको भी हम इस फील्ड के बाहर बंद करेंगे, सिंपल। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैपिंग आ गई, ये किसकी हेल्प से आ गई, ये फॉर्म ग्रुप की हेल्प से आ गई। अब हमें सिंपली एक बटन बनाना है, लेकिन बटन हम फुटर में बनाना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप बटन यहाँ पे आइए और यहाँ टैग यूज़ करिए फुट बटन, या पहले हाँ सिंपली बटन टैग यूज़ करिए और इसमें क्लास लिखिए BTN और BTN आउटलाइन सक्सेस। तो मैं यहाँ पे आउटलाइन बटन बनाना चाह रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी डिजाइनिंग की दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, अगर थोड़ा सा भी डिजाइनिंग की इशू है तो आप क्या कर सकते हो, इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो और यहाँ पे टाइप कर सकते हो बटन और आप अलग अलग तरह के बटन्स को यहाँ से देख के बना सकते हो। इसी से मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं कोई मैजिक नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी से ही क्लासेस को मैंने पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, फिर मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। तो आप भी यहाँ पे क्लासेस को देख करके यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे बटन बन गई डू ऑपरेशन, या सिंपली हम डिवाइड लिखते हैं, डू ऑपरेशन डिवाइड, या हम लिखते हैं डिवाइड टू नंबर्स, डिवाइड सिंपली। और हम क्या करते हैं, हम इस डिवाइड को सेंटर में ले आते हैं। तो सेंटर में लाने के लिए आप कार्ड फुटर में आ जाइए और यहाँ लगाइए टेक्स्ट सेंटर वाला टैग, टेक्स्ट सेंटर, ये अपने आप से क्या करेगा, बटन को सेंटर पे ले आएगा, देखिए सिंपल। अब सिंपली क्या करते हैं, अगर हम लोग अपने कार्ड को सेंटर पे ले आए तो हमारा काम हो जाएगा। एग्जैक्टली, कार्ड को सेंटर पे, दैट मीन्स यहाँ पे ले आए। तो बेसिकली अभी ये कार्ड क्या ले रहा है, 6 ग्रिड ले रहा है, आपकी 12, टोटल 12 ग्रिड से कितनी ग्रिड ले रहा है, 6 ग्रिड ले रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 6 ग्रिड ये खुद लेकर रखा है और इधर 6 ग्रिड बची हुई है, तो मैं क्या करूँगा, 6 ग्रिड ये खुद लेकर रखा है और 3 ग्रिड, इसमें से 3 ग्रिड्स को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा कार्ड को। तो शिफ्ट करने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे कॉलम को यहाँ पे आइए, जो आपने लिखा है कॉल MD6, यहाँ पे लिखिए ऑफसेट MD और 3 लिख दीजिए, सिंपल। तो ये क्या करेगा, मीडियम और अपर स्क्रीन पे 3 को शिफ्ट कर देगा, देखेंगे, ये देखिए सिंपली आपका एकदम सेंटर पे आ गया और परफेक्ट डिजाइनिंग है। थोड़ा सा इस डिजाइन को हम लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं। लेट अस सपोज हम क्या करते हैं, अपने कार्ड हेडर पे हम लगाते हैं BG डार्क और टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट, और हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे, देखिए ये डार्क हो गया और टेक्स्ट हमारा वाइट हो गया। इसी तरह हम इस पे भी कर सकते हैं, फुटर पे भी, तो फुटर पे भी आते हैं, देखते हैं, हम यहाँ पे लगा सकते हैं BG डार्क और टेक्स्ट वाइट, तो टेक्स्ट हमारा वाइट हो जाएगा। ये भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, तो आपको बनाना नहीं, सिंपली बस यूज करना है। तो आप रिफ्रेश करिए पेज को, तो देखिए यहाँ पे, अब ये देखो ग्रीन अच्छी नहीं लग रही है, ये ग्रीन अच्छी नहीं लग रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा वाइटिस्ट रखने की कोशिश करेंगे। तो जहां सक्सेस है वहां मैं लाइट कर दूंगा और फिर रिफ्रेश करूंगा, तो देखो अब ये परफेक्ट लग रहा है। और ये टेक्स्ट फील्ड का जो बॉडी है भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका भी एक बैकग्राउंड देता हूँ, BG सेकेंडरी, सेकेंडरी, और रिफ्रेश करता हूँ, सिंपली परफेक्ट। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला पेज डिजाइन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, यहाँ पे कोई नंबर दें और यहाँ पे कोई नंबर दें और डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट आ जाए, एक JSP पेज चले और हमारा रिजल्ट आ जाए, दोनों का डिवीजन आ जाए।
तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि कैसे हम लोग को क्या करना है ये डिवीजन। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे देखिए डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म किसी ना किसी सर्वलेट या जेएसपी पे सबमिट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस काम को करने के लिए हम लोग जेएसपी पेज यूज करेंगे। आप सर्वलेट यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, जेएसपी यूज करूंगा। तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अपने वेब पेजेस पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे और एक जेएसपी बना लेंगे और इसका नाम दे देंगे ऑप डॉट जेएसपी, ऑप डॉट जे एस पी। तो आपको नेटबीन्स यूज कर रहे हो तो डॉट जे एस पी नहीं लिखना, नेटबीन्स अपने आप से ओप डॉट जे एस पी लगा देगा। आप सिंपली फिनिश कर देंगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक पेज बन जाएगा। देखिए एक ओपी डॉट जे एस पी पेज बन गया। हम लोग क्या करेंगे, अपना फॉर्म इसी पेज पे सबमिट करा देंगे और फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करेंगे इसी पेज पे, क्योंकि हमें पता है कि हम सारा जे एस पी में सारा जावा का कोड भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो डेटा आएगा यहाँ पे फेच करेंगे और यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सारा। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को, ये वाला फॉर्म जो हमने बनाया है उसको भेजते हैं किस पे, अपने उस वाले जेएसपी पे। तो सिंपली आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं सारा, क्योंकि सारी जो टेक्स्ट फील्ड है आपकी और कार्ड की बटन्स वगैरह जो है, मैंने बनाया था डिवाइड वाली बटन और दो टेक्स्ट फील्ड बनाया था, वो सारी रखी है कार्ड वाले डिव के अंदर। तो मैं पूरे डिव को क्या करूंगा, देखिए डिव को ही एक फॉर्म टैग के अंदर रख दूंगा, पूरे डिव को ही, देखिए डिव के बाहर आऊंगा और फॉर्म टैग के अंदर रख दूंगा। तो जो कार्ड था ना, वो पूरा पूरा कार्ड ही डिव फॉर्म टैग के अंदर आ गया। दैट मीन्स अब फॉर्म पे कोई एक्शन दोगे तो कार्ड के अंदर जितनी भी सबमिट बटन होंगी सारी क्या कर पाएंगी, फॉर्म को सबमिट कर पाएंगी। तो हम लोग आएंगे फॉर्म में और यहां लिख देंगे एक्शन और हम अपने ओपी डॉट जेएसपी पेज का URL दे देंगे, सिंपली पेज का नाम दे देंगे। तो जैसे ही फॉर्म सबमिट करोगे, इस फॉर्म में है क्या, आपकी यही दो टेक्स्ट फील्ड है, इनपुट इनपुट और आपकी एक बटन है। जैसे बटन क्लिक होगी, आप सबमिट करने के लिए इस बटन पे भी आइए और यहां पे टाइप लिख दीजिए, बटन का टाइप और टाइप में सबमिट कर दीजिए सिंपली। अब जैसे ही बटन आप क्लिक करोगे ना, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा इस पे ओपी डॉट जेएसपी पे, सिंपली सबमिट हो जाएगा। और जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं एक बार प्रोजेक्ट को रन करके दिखा देता हूं कि फॉर्म सबमिट हो रहा है कि नहीं सबमिट हो रहा है। तो हम लोग आएंगे, अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे और यहां पे दो नंबर देंगे और हम लोग डिवाइड पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट तो हुआ है, लेकिन ये ओपी डॉट जेएसपी पेज से प्रिंट हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे अपने डेटा को प्रोसेस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखिए मैं क्या करूंगा, मैं बॉडी टैग के अंदर आ जाऊंगा और यहां पे लगाऊंगा स्क्रिप्टलेट टैग। तो अगर अभी तक स्क्रिप्टलेट टैग आपको नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियोस पे मैंने बताया हुआ है स्क्रिप्टलेट टैग क्या होता है। तो आप लोग क्या करोगे, उस वीडियो को जाके देख लोगे, मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं फेच करूंगा टू नंबर्स, दोनों नंबर्स जो आ रहे हैं फेच करूंगा। तो फेच करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करनी होंगी। फेच करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली इंडेक्स पेज पे चलना होगा और अपने फील्ड्स का एक एक नाम देना होगा। तो हम यहाँ पे पहली वाली फील्ड का नाम दे देंगे N1 और इसी तरह दूसरी वाली फील्ड का नाम दे देंगे N2, क्योंकि ये जो नाम है ये जरूरत पड़ेगी वहां पे फेच करने के लिए। और हम वापस आ जाएंगे अपने ऑपरेशन डॉट जेएसपी पेज पे और यहाँ पे हम यूज करेंगे request.getParameter और हम पैरामीटर के ब्रैकेट में पास कर देंगे अपने फील्ड का नाम। तो n1 पास कर देंगे, ये मुझे रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग n1 की। और उसके बाद हम n2 के लिए भी एग्जैक्टली वही करेंगे n2 और हम लिखेंगे request.getParameter सिंपली और हम पास कर देंगे n2। और हम देख पाएंगे कि ये जो रिक्वेस्ट है वो सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है, बट ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको फेच नहीं करना पड़ा, ये आपने डायरेक्ट यूज किया, ये जो वेरिएबल है, क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट है ये एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, ये आपको फ्री में मिल गया, आपको बस यूज करना है। तो सिंपली मैंने यूज कर लिया, ये वही काम करेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिक्वेस्ट का। तो रिक्वेस्ट में जो डेटा आ रहा होगा N1 और N2 वो फेच करके दे देगा। अब एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो डेटा आ रहा है N1 एंड N2 वो आ रहा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, दैट मीन्स उसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। लेकिन अगर आपको डिवीजन करना है, डिवीजन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, सो दिस नीड टू बी टाइप कास्टेड इन टू इंटीजर, मतलब आपको N1 और N2 कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंटीजर में। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट लगाता हूँ, लिख देता हूँ कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंपली, तो आप देखिए हम क्या करेंगे, रिजल्ट को स्टोर करने के लिए कुछ वेरिएबल ले लेंगे। तो हम ले लेंगे ए और इसमें हम
टाइपकास्ट करके इंटीजर में रखेंगे स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग को टाइपकास्ट करके इंटीजर में रख लेंगे हम। यहाँ लिखेंगे इंटीजर क्लास के पास एक फंक्शन है स्टैटिक पार्स इंट, तो हम लोग इसको यूज करेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे अपना एन वन पास कर देंगे सिंपली। तो मैंने सिंपली क्या किया है इंटीजर डॉट पार्स इंट और एन वन पास कर दिया, तो ये स्ट्रिंग की वैल्यू मैंने यहाँ पास कर दी, ये इंटीजर ए में कन्वर्ट होके आ जाएगी। इसी तरह हम क्या करेंगे इंटीजर बी एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें भी हम फिर से इंटीजर डॉट पार्स इंट करेंगे और अपना एन टू दे देंगे सिंपली, तो दोनों नंबर्स इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक वेरिएबल ले लीजिए इंटीजर सी, या फिर आप क्या करना चाहते हो सिंपली डबल में भी काम कर सकते हो, बट अभी मैं इंटीजर में काम कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा इंटीजर सी ले लूँगा और ए डिवाइडेड बाय बी को यहाँ पे रख दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा मैं रिजल्ट प्रिंट कर दूंगा। तो अब आपको प्रिंट करना है सी में रिजल्ट रखा हुआ, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो आप इस स्क्रिप्टेड टैग के बाहर आके एक लगा सकते हो एच वन और यहाँ पे लिख सकते हो रिजल्ट इज, और फिर आप प्रिंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो एक्सप्रेशन टैग। तो ये एक्सप्रेशन टैग हम लोग सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं पहले वीडियोज़ में, और यहाँ पे मैं सिंपली सी पास कर दूंगा तो आपका डिवीज़न हो जाएगा। और फिर फॉर्मेट करने के लिए ऑल्ट शिफ्ट एफ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे कोई ऑपरेशन देते हैं, हम लिखते हैं 20 और हम लिखते हैं यहाँ पे 10 और हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो देखेंगे रिजल्ट 2 आ गया, सिंपली रिजल्ट हमारा 2 आ गया और मतलब मेरा काम हो गया। बट जो मेरा मोटिव था वो नहीं हुआ, क्योंकि लेट अस सपोज यूजर आ रहा है और यूजर को एक नंबर देना था बट यूजर यहाँ पे कुछ लिख के चला जा रहा है। लेट अस सपोज इसने क्या किया 23 और यहाँ पे सेकेंड में जीरो इसने पास कर दिया और मैं डिवाइड पे क्लिक करूंगा, देखेगा सिंपल, देखिए यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर आ गई, क्योंकि जब आपने सेकेंड नंबर को 2 किया उस केस में एक्सेप्शन आ गई जिसका नाम है जीरो डिवीजन बाय एरर या फिर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ गई डिवाइड बाय जीरो। तो इस एरर को हमें हैंडल करना है, यूजर को दिखना चाहिए समथिंग वेंट रॉन्ग या फिर इनपुट इज इनवैलिड, कुछ भी दिखा सकते हो, तो ये एरर बेसिकली हम लोग हैंडल करना सीखेंगे। दूसरी चीज, जब जैसे लेट अस सपोज आपका ये होम पेज है और आपके पास एक रिजल्ट पेज है ये वाला op.jsp पेज, आपके पास दो पेज हैं और आप लेट अस सपोज एक अबाउट पेज बना लियो, तो अबाउट पेज बंदा यहाँ से ओपन कर सकता, बट अगर उसने आपके URL में जाके कुछ ऐसे टाइप किया और एंटर कर दिया तो देखिए 404 एरर आ रही है नॉट फाउंड। इस दोनों एरर को कैसे हैंडल करते हैं, तो लेट अस सपोज सबसे पहले हम अपने इस एरर को हैंडल करते हैं जो आ रही है इंटरनल सर्वर एरर एक्सेप्शन रन टाइम पे। उसके लिए हम क्या करेंगे एक सिंपली पेज बना लेंगे, तो हम क्या करेंगे वेब पेजेस पे चलेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपली जेएसपी पेज बनाएंगे और ये पेज होगा एक्सेप्शन वाला हैंडल करने वाला पेज। तो हम लिख देंगे एरर अंडरस्कोर ईएक्स और हम लोग यहाँ पे सिंपली पेज बन गया। अब इस पेज को थोड़ा सा डिजाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ इस पेज पे बूटस्ट्रैप कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं index.html से आऊँगा और अपनी बूटस्ट्रैप वाली जो लिंक थी ना उसको मैं कॉपी कर लूँगा और इस लिंक को सिंपली अपने एरर एक्सेप्शन वाले में जाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो हमारा बूटस्ट्रैप इस पेज पे भी अप्लाई हो गया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा समथिंग वेंट रॉन्ग। और नेक्स्ट चीज मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा H1 में Something went wrong। तो ये चीज आएगा। अब क्या करते हैं इस पे एक्सेप्शन हैंडलिंग अप्लाई करते हैं, तो मैं क्या करूंगा यहां पे मैं सबसे ऊपर जाऊंगा, यूज करूंगा पेज डायरेक्टिव। ये चीज मैं आपको बता दिया था पहले वीडियोस में, एक वीडियो मैंने बनाई थी आप उस वीडियो को जाके देख लोगे। तो मैं पेज डायरेक्टिव यूज करूंगा और यहां पे यूज करूंगा इज एरर पेज, इस पेज को एरर बनाना है तो इज एरर पेज को मैं सिंपली ट्रू कर दूंगा। अब इस पेज के पास एरर की सारी फंक्शनैलिटी आ गई, यहाँ पे आप एक्सेप्शन यूज भी कर सकते हो और साथ ही साथ में मेरे ओपी पे अगर एक्सेप्शन आए तो मुझे वो पेज दिखाना है, तो मैं ओपी पे आऊंगा और यहाँ पे पेज को डिक्लेयर कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ पेज डायरेक्टिव। तो मैं लिखूंगा पेज %@ और लिखूंगा पेज और यहाँ पे एरर पेज में अपने उस एरर पेज का रेफरेंस डाल दूंगा सिंपली। अब होगा क्या, अगर इस केस में अगर बंदा यहाँ पे जीरो देता है लेट अस सपोज जीरो और डिवाइड करता है तो इस बार क्या होगा, देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग चला, दैट मीन्स यहाँ पे एक्सेप्शन वाला पेज चला। तो एक काम तो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं इस पेज को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा इस पेज को डिजाइन करके देता हूँ। मैं क्या करूँगा सिंपली आऊँगा
एक्सेप्शन ई एक्स में, और यहां पे सिंपली मैं क्या करूंगा, डिव लगाऊंगा क्लास कंटेनर, और क्लास कंटेनर में सिंपली मैं क्या करूंगा, ये वाला जो सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग है मैं इसके अंदर लिख दूंगा, और इसकी हल्का सा पैडिंग मेंटेन कर दूंगा, एंड इसके ऊपर मैं इमेज यूज करने वाला हूँ, जो इमेज मैंने आपको दिखाई थी ये दोनों इमेज, तो मैं क्या करूंगा सिंपली इन दोनों इमेज को कॉपी कर लूंगा और नेटबीन्स में आऊंगा और अपने वेब पेजेस पर राइट क्लिक करूंगा, एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम दूंगा इमेज, और हम इस इमेज फोल्डर में वो दोनों इमेजेस को पेस्ट कर देंगे सिंपली। अब हम क्या करेंगे, यहां पे टैग लगाएंगे हम IMG और लगाएंगे SRC, और यहां SRC में हम लोग अपने एरर पेज का रेफरेंस दे देंगे, और एरर पेज यहां नहीं रखा हुआ, एरर पेज रखा हुआ इमेज फोल्डर के अंदर एरर पेज, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे क्लास, और यहां पे इमेज फ्लूइड नाम की एक क्लास है उसको यूज कर लीजिएगा इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, और सिंपली आप इसको बंद कर दीजिए, और अगर आप इस बार रिफ्रेश करते हैं या एरर जानबूझकर लाते हैं तो आपको इमेज भी दिखेगी, ये देखिए आपको यहाँ पे इमेज भी दिख रही है समथिंग वेंट रॉन्ग, और सिंपली इसके नीचे सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग भी दिख रहा है, ये इमेज भी दिख रही है। तो इसको बेसिकली मैं क्या करता हूँ सेंटर पे कर देता हूँ, आपका काम हो जाएगा सारा। सेंटर पे रख करने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे आइए टेक्स्ट सेंटर, और मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए सारी चीज सेंटर पे आ गई, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग भी, आपका इमेज भी, दैट मीन्स परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इस टेक्स्ट को और अच्छा करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा डिस्प्ले डैश 3, और मैं पेज को फिर से रिफ्रेश करके चेक कर लूँगा, परफेक्ट, ठीक है। तो अब हमारा एकदम परफेक्ट पेज दिख रहा है, और यहाँ पे मैं होम बटन दे देता हूँ, या छोटा सा ये भी दिखा सकते हो क्या एरर आ रही है। तो क्या एरर को दिखाने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन टैग की हेल्प से मैं अपने एक्सेप्शन वाले वेरिएबल को प्रिंट कर दूंगा, और ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, दैट मीन्स ये वेरिएबल आपको मिला हुआ है, आपको कहीं भी ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, दैट मीन्स आपको ये वेरिएबल मिला हुआ है, आपको कहीं भी इसका अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करिए, पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, तो आपको ये भी पता चल जाएगा देखिए क्या एक्सेप्शन आ रही है। लास्ट में यहाँ पे बटन देता था, होम पेज की बटन दे देता हूँ एक, तो सिंपली मैं इसके नीचे आऊंगा और बनाऊंगा यहाँ बटन, और क्लास में लिख दूंगा, या बटन बनाने के लिए आप एंकर टैग भी यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे एंकर टैग में क्लास लिखूंगा BTN, और BTN आउटलाइन डैश प्राइमरी, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली होम पेज, और रिफ्रेश करूंगा, देखेंगे हमें यहाँ पे एक बढ़िया सा पेज, ये बटन दिख गई, इस पर क्लिक करके हम होम पेज पे जा सकते हैं। तो होम पेज का मैं लिंक दे देता हूँ, तो आपने एंकर टैग के अंदर आ जाएंगे, लगाएंगे href, और होम पेज को आप index.html बोलते हो तो आप index.html का लिंक सिंपली दे दीजिए। अब बंदा इस होम पेज पे क्लिक करेगा, होम पेज पे आ जाएगा, और अगर कोई वो एरर यहाँ पे जनरेट करेगा तो यहाँ पे ये वाला पेज दिखेगा। लेटर सपोज और कोई एरर आती है, जैसे सपोज क्या करता है कि हमने क्या किया, यहाँ पे जहाँ पे टेक्स्ट में टाइप में नंबर यूज़ किया था वहाँ पे मैंने टेक्स्ट यूज़ किया, और यहाँ भी टेक्स्ट यूज़ किया। अब क्या किया बंदा, सबसे पहली चीज़ क्या कर सकता है, यहाँ पे नंबर दे सकता है, उसके बाद ये अगर इसने कोई वर्ड दे दिया और डिवाइड किया तो देखिए आपका आएगा वो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगी समथिंग वेंट रॉन्ग के साथ साथ। इसका मतलब हमारे इस पेज पे कोई भी एक्सेप्शन आ जाएगी यही वाला पेज चलेगा, ऑपरेशन पेज पे कोई भी एक्सेप्शन आ जाएगी यही वाला पेज चलेगा। साथ ही साथ में एक चीज़ हम लोग और कर लेते हैं 404, दैट मीन्स अगर बंदे कोई ऐसा पेज एक्सेस करने की कोशिश करता है जो नहीं है, उस केस में क्या चलेगा। तो सिंपली हम लोग एक पेज बना लेते हैं 404 के लिए भी, तो मैं वेब पेजेस पर राइट क्लिक करूंगा, सिंपली न्यू पे जाऊंगा, और JSP पेज इसका नाम दूंगा 404, या फिर एरर अंडरस्कोर 404, JSP पेज बन जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने एक्सेप्शन एरर वाले पेज का सारा कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ और अपने इस पेज में सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, जहाँ सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा है वहाँ लिख देता हूँ सॉरी पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड। और हम लोग क्या करेंगे सिंपली, देखिए यहाँ पे सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग है, यहाँ पे भी क्या कर देंगे पेज नॉट फाउंड, और गो टू होम पेज, परफेक्ट है, एक्सेप्शन अब आपको दिखाना नहीं है, और फोटो बदल के यहाँ पे एरर की जगह कोई और फोटो लगानी है तो 404 error.png दूसरी फोटो में लगा दूंगा सिंपली। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्योंकि अभी तक ये काम नहीं होगा, अगर आप कोई ऐसा रिसोर्स दे दोगे जो आपके यहाँ पे सर्वर पे नहीं रखा होगा
तो अभी तक तो ये डिफॉल्ट पेज दिखा रहा है, डिफॉल्ट एरर पेज दिखा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा एरर पेज दिखे, तो हम लोग बनाएंगे एक वेब डॉट एक्सएमएल। तो वेब डॉट एक्सएमएल हमेशा, अगर आपके पास पहले से बनी बनी बनाई होगी तो आपको दोबारा नहीं बनाना, बट अगर नहीं बनी होगी तो आप वेब INF पे राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे और यहाँ पे अदर पे जाओगे और यहाँ पे सर्च करोगे वेब डॉट एक्सएमएल। तो आप फिल्टर पे क्लिक करके टाइप करोगे वेब डॉट एक्सएमएल और ये अपने आप से दिखा देगा आपको रिजल्ट। देखे वेब स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, आप इस फाइल को चूज कर लीजिए, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और फिनिश कर दीजिए। तो आपके वेब डॉट एक्सएमएल में, वेब डॉट आपके वेब हाइफन INF फोल्डर में वेब डॉट एक्सएमएल नाम की एक फाइल आ जाएगी और उसका जो टैग होगा स्टार्टिंग होगा वेब ऐप, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके वेब एप्लीकेशन को। तो सिंपली आप इस टैग के अंदर आ जाएगा और यहां पे कुछ टैग लगाने की कोशिश करेगा। सबसे पहला एरर पेज, एरर पेज, और इसके अंदर आके आप लगाइए एरर कोड, और 404 का एरर कोड होता है 404, सिंपली जैसा आपको पता है नॉट फाउंड 404, तो एरर कोड में 404 दे देंगे। और नेक्स्ट हम लगाएंगे लोकेशन कि आपकी लोकेशन कहाँ पे जाएगी। तो सिंपली आप क्या करें, यहाँ पे स्लैश लिख के अपने एरर अंडरस्कोर 404 डॉट JSP पेज दे दीजिए और आप इस फाइल को सेव कर दीजिए और अपने पेज को जाके सिंपली रिफ्रेश करिए, अपने होम पेज को ओपन कर लीजिए। अब क्या होगा, आपके दोनों एरर्स हैंडल हो चुके हैं माय फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे गलत इनपुट दे दोगे तो ओपन हो जाएगा पेज नॉट फाउंड, और अगर आप यहाँ से गलत पेज ओपन करने की कोशिश करोगे तो दिखेगा, देखिए सॉरी पेज नॉट फाउंड, दैट मीन्स 404। और अगर आप ऑपरेशन पे कोई एरर आ जाती है, यहाँ पे अगर कोई एरर आ जाएगी डिवाइड करोगे तो सिंपली सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग वाली एरर आएगी। अगर कोई रिसोर्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो या पेज एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो नहीं है तो सिंपली आएगा पेज नॉट फाउंड एक्सेप्शन। आप यहां से हल्का थोड़ा सा इन दोनों के बीच में मार्जिन दे सकते हैं, पेज और अच्छे से डिजाइन हो जाएगा। तो सिंपली आप यहां पे आइए, लगाइए क्लास एम टॉप 3, सेव कर दीजिए, रिफ्रेश करिए। अच्छा, इसमें क्लास ऑलरेडी लगा है तो आपको दोबारा नहीं लगाना है। आप क्या करिए, इसी में एट्रीब्यूट जोड़ दीजिए, मार्जिन दे दीजिए MT3, ऊपर से रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए हल्का सा मार्जिन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों पेज, दोनों एरर पेज को अच्छे से डिज़ाइन कर लिया और हम लोगों ने यहाँ पे एक होम पेज बनाया था जिसपे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। अगर एक्सेप्शन आ रही थी तो हमारा एरर पेज चल रहा था, अगर 404 एरर आ रही थी तो हमारा 404 एरर पेज चल रहा था। तो ये दोनों चीज आप अपने प्रोजेक्ट बनाते समय यूज कर सकते हो। सिंपली क्लासिक डिजाइन हम लोगों ने यूज किया, दो आइकन यूज कर लिया। तो ये जो इसका, इस वीडियो का जो सोर्स कोड होगा मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये दो एरर्स जो होंगी वो कॉमन होंगी और आपको हैंडल करना आना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।